इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे, आज हम एक बहुत ही करंट का हॉट टॉपिक जो चल रहा है, रूस और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आप सबको पता है कि इस वॉर के वॉर को कम से कम एक महीने से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन आप में से, आई एम प्रिटी श्योर, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें यही नहीं पता है कि इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में ये इतना वॉर चल क्यों रहा है, कि एक कंट्री दूसरी कंट्री को ख़त्म करने पर आ गई है, क्यों तुली हुई है ये। तो कुछ तीन चार टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है यही जो मैंने आपको बताया कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो देखिए, इसके पीछे की एक जो बड़ी वजह है या खास वजह है, वो एक ही है, यूक्रेन का नेटो में ज्वाइन होने की इच्छा जाहिर करना। अभी नेटो क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में हम पढ़ेंगे। अमेरिका भी यही चाहता है कि यूक्रेन जो है वो नाटो को ज्वाइन करे। अब रूस को ये बात हजम नहीं हुई। रूस क्या चाहता है, अमेरिका से सिर्फ आश्वासन नहीं चाहता, वो लीगल गारंटी चाहता है कि यूक्रेन भविष्य में कभी भी नाटो ज्वाइन नहीं करेगा। अब आप सोच रहे होंगे ये अमेरिका कहाँ से बीच में आ गया। आगे वाले पॉइंट्स में आपके सभी डाउट्स जो है वो क्लियर कर दूंगी, वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि नाटो क्या है। देखिए, नाटो है हमारे पास, इट्स नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। उस वक्त पे ये 12 कंट्रीज ने मिलकर के एक संगठन बनाया था, अमेरिका आप बोल सकते हो, अमेरिका के साथ अनदर कंट्रीज ने जुड़ करके नाटो बनाया था 1949 में, जिसके पीछे का मकसद क्या था, सैन्य तौर पे और राजनीतिक तौर पे उस संगठन के सभी सदस्यों का समर्थन करना। इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक बड़े ही आसान वे में समझाना चाहूँगी। सपोज करिए, हम 15 फ्रेंड्स हैं, हम मिलके एक ग्रुप बनाते हैं। उस ग्रुप में हम ये डिसाइड करते हैं कि अगर हम 15 में से कभी भी किसी एक के ऊपर कोई बाहरी अटैक होता है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो बाकी के जितने भी 14 मेंबर्स हैं वो उसकी हेल्प करेंगे, वो ये समझेंगे कि अटैक हमारे ऊपर हुआ है। तो उस तरह से देखिए, नाटो जो है, अब करंट अगर मैं बोलूं तो करंट इसमें है 30 देश। उस वक्त पे 12 देशों ने मिलकर के नाटो का निर्माण किया था। अब इसमें 30 देश शामिल हो चुके हैं। यूक्रेन भी इसमें शामिल होना चाहता था, अमेरिका चाहता था कि यूक्रेन शामिल हो, लेकिन रूस इस बात से खुश नहीं है। अब यूक्रेन क्यों चाहता है, वो नाटो को ज्वाइन क्यों करना चाहता है? देखिए, उसे पता है कि वो उतना ताकतवर नहीं है कि वो इन फ्यूचर भविष्य में कभी रूस के साथ लड़ सके। यूक्रेन को अपनी कमजोरी पता है, और वो इतना वो क्यों सोच रहा है कि वो कभी रूस के आगे खड़ा नहीं हो सकता या वो हार जाएगा। 2014 में देखिए क्या हुआ था, 2014 में यूक्रेन का एक पार्ट था क्रीमिया, रूस ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। अब यूक्रेन को खतरा पैदा हो गया कि अगर उसने समय रहते कोई ज़रूरी कदम नहीं उठाए तो रूस धीरे 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 करके पूरे यूक्रेन के ऊपर भी कब्जा कर सकता है, उसे ऑक्यूपाई कर सकता है। इसीलिए वो नाटो ज्वाइन करना चाहता था। अब वो नाटो ज्वाइन करना चाहता है, बट क्वेश्चन ये उठता है कि रूस को इससे क्या प्रॉब्लम है, रशिया को क्या प्रॉब्लम है। देखिए, हमारे पास कुछ कंट्रीज आती हैं, आई होप आप लोगों ने नाम सुना होगा, लातविया, एस्टोनिया, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने सुना होगा, अदरवाइज नॉर्मली कभी न्यूज़पेपर में या कभी भी किसी न्यूज़ में सुना होगा। लातविया और एस्टोनिया भी नाटो की मेंबर हैं। अमेरिका तो ऑलरेडी आप कह सकती हो एक फाउंडर में आ जाता है। अब ये रहा रूस, इधर लातविया, एस्टोनिया, यूक्रेन और फिर अमेरिका। तो रूस को लग रहा है कि वो नाटो कंट्रीज़ के बीच में घिर जाएगा अगर यूक्रेन भी नाटो को ज्वाइन करता है तो इन फ्यूचर अगर वो कभी यूक्रेन के ऊपर या किसी ऐसी कंट्री के ऊपर अटैक करने का सोचता भी है तो नाटो की बाकी 29 कंट्रीज़ जो हैं वो उसे अपने ऊपर अटैक समझेंगी, तो रूस का जीत पाना नामुमकिन हो जाएगा। इसी वजह से रूस जो था उसने जंग का ऐलान कर दिया कि भैया यूक्रेन तुम सुधर जाओ, तुम नाटो ज्वाइन नहीं करोगे, इससे पहले मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। अब ये सबके पीछे क्या हिस्ट्री है, अमेरिका कहां से बीच में आ रहा है, तो देखिए क्या हुआ था। 1939 से 1945 तक का जो वक्त है, 1939 से लेकर के 1945 का जो टाइम पीरियड है, आप सबको पता होगा ये कौन सा था, द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ये टाइम है। इस वक्त पे क्या हुआ था, एक तरफ आपके जापान और इटली और एक तरफ आपका फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका। तो 1945 में क्या हुआ था, अमेरिका ने जब परमाणु बम गिरा दिया था जापान के ऊपर,
तो द्वितीय विश्व युद्ध तो हो गया खत्म। लेकिन संयुक्त राष्ट्र को यह बात हजम नहीं हो पाई, रूस उसी में से निकला है तो आप रूस कह लीजिए, रूस को यह बात हजम नहीं हो पाई कि अगर तुम्हारे पास इतने घातक हथियार थे और तुम इस युद्ध में उनका इस्तेमाल करना चाहते थे तो तुमने सहयोगी होकर भी हमें इस चीज के बारे में बताया नहीं, इल्म नहीं किया। यही बात रूस को खटक गई और तब से रूस और अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर जो था वो शुरू हो गया। तो उसी वक्त पे क्या हुआ, 1949 में अमेरिका ने बाकी कुछ 10-11 कंट्रीज के साथ मिल करके नाटो का निर्माण कर दिया। तो आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका ने रूस से निपटने के लिए ही इस चीज़ का संगठन का की खोज की थी या इसका निर्माण किया था। उस वक्त से लेकर के दोनों कंट्रीज को ये होड़ लग गई कि वो कितनी कंट्रीज का समर्थन अपनी तरफ कर सकते हैं, तो नाटो बेसिकली आप कह सकते हो इसी के लिए बना था। तो आई होप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, 3-4 पॉइंट्स जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं या आपकी स्लाइड में आए होंगे, ये आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा एक बेसिक आइडिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस सारे वॉर का वर्ल्ड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है या इंडिया के ऊपर क्या पड़ रहा है और इन फ्यूचर क्या पड़ेगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और वीडियोस चाहिए, कुछ डाउट्स हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो कैसा लगा ये भी आप ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।